है ना? एक्चुअली मैंने जोमेटो भी लिया हुआ है, इट वॉज सजेस्टेड बाय मैंने मेरे बेटे ने सजेस्ट किया था, इट वॉज 50 से ट्रैक कर रही थी पहले मैं। मैं बेसिकली पूछ रहा था आप जो दिक्कत आ रही वही वाले स्टॉक पूछ रहा हूँ ना, है पोर्टफोलियो और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स में है। आपकी अगली क्वेरी पे भी रीता मैम, सिम्फनी के बाद यस सर, जियो फाइनेंस है सर मेरे पास, 50 शेयर्स। कितने पे खरीदे हुए? 245। बढ़िया, क्या पूछूं कि रखे रहा हूं या मुनाफा बांध लूं, ऐसा पूछूं क्या? सर शेयर्स तो मेरे पास ज्यादा थे पर मैंने ये पहले डिप में आ गया, उसके बाद जब राइज किया तो निकाल दिया, तो मेरे को वेट करना है या मैं और ऐड कर लूं? कुछ टाइम की कोई लिमिट नहीं है सर, क्या करना चाहिए? जो है उनके लिए सवाल नहीं है राजेश सर, उसपे तो 125 रुपए पर स्टॉक का गेन हो रहा है, ये पूछना चाहती है ये सही समय और ऐड कर लेने का क्या, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐड, पहले तो ये बताओ, और ये सही समय है क्या, उसके बाद इसका आंसर। आशीष जी, जिस दिन से जियो की लिस्टिंग हुई है उस दिन से मैंने आपके मैंने आवाज के चैनल पे लगातार इसमें बाय कॉल दी है और आज भी हमारी इसमें बाय कॉल ही बनी हुई है, और मैं यही कहूंगा कि जब इनको समय की आमदनी नहीं है तो ऐड करने के लिए अगर कोई बाजार में गिरावट आएगी 10-20 रुपया गिर जाएंगे, उस चक्कर में ना रहें। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो स्टैगर्ड भाव में बिल्कुल इन्हें खरीदारी करनी चाहिए, बहुत शानदार कंपनी है, इनके पास डेटा बेस है रिटेल का और जियो का जिससे इन्हें फायदा होगा, तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, 6% के आसपास इनमें रिलायंस का स्टेक है, ब्लैक रॉक के साथ इनका टाई अप हुआ है और कई तरह के बिजनेस में जाने की बातें हैं। मुझे लगता है कि इस स्टॉक को लंबी अवधि के लिए इनको भी और जो दूसरे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी बाय की रिकमेंडेशन रहे। भाई साहब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि इसकी चर्चा इस प्लेटफॉर्म पे हो गई, ये बता दूं हमारे प्रमोटर और इस कंपनी के प्रमोटर सेम है, तो इस चैनल पे कभी भी डिस्कस हो रिकमेंड हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट एडवाइजर से भी बातचीत कर लीजिए। मुझे नीरज वाजपेयी यहाँ घूमते फिरते नजर आ रहे हैं क्योंकि आज अपन वीकेंड स्पेशल के मोड पे हैं इस शो में, तो अपन लोग कुछ ही देर में OTT प्लेटफॉर्म बड़े पर्दे पे क्या निपटाना है उस पर आएंगे। राय सर कुछ